आपको बता दो कि हर गेम में दो ही लोग होते हैं, कोई भी गेम हो, एक तो खिलाड़ी होता है और एक होता है दर्शक। किसी भी एग्जाम में भी दो ही लोग बैठते हैं एग्जाम देने, एक वो जो खिलाड़ी होता है जिसका रिजल्ट होता है, और एक वो जो दर्शक बन के रह के तालियां बजाते हैं दूसरों की जॉब पे, ओह ये कटअप हो गया, ये गया हो गया, बहुत धांधली हुई, वो दर्शक है। दर्शक का काम क्या रहता है, क्रिकेट मैच देखिए, आईपीएल खत्म हो जाता है लेकिन अगले दिन आज नाइट का मैच था, वो मुंबई वो चेन्नई ये वो, कल वो ऐसा नहीं ना खेला यार, वो अगला दिन उसके बाद बारे में हम लोग सभी चर्चाएं करते हैं yes, sir। वो मारेगा, वो पर्पल कप जीतेगा तो वो ऑरेंज कप जीतेगा, ये टीम ना इस बार बहुत हेवी आई है और यही लगता है कि आईपीएल के खिताब इस बार जीतेगी। ये कौन चर्चा करता है, जोर से बोल, कौन चर्चा करता है दर्शक। उसी प्रकार हर रेस में दो घोड़े होते हैं, एक घोड़ा विजेता बनने के लिए दौड़ता है और एक घोड़ा केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे, बस कैसे हूँ उसको कर रहा है। ये जो 1600 मीटर का ये रेस है ना, ये बेटा वही दौड़ता है जिसके दिल में जुनून है, जोश है, जज्बा है और मम्मी पापा का अरमान है, उसी से ये दौड़ होता है, अन्यथा ये दौड़ ये आम नहीं है। ये दौड़ आम नहीं है कि जिसको मन वो मार देगा, जिसमें ताकत होगी करेजे में, जिसका 56 इंच का सीना होगा वही 1600 मीटर मारता है और वही फौजी बनता है। मैं बोला खिलाड़ी दर्शक के बारे में, यदि आप चाहते हो कि मैं खिलाड़ी बनूं, हमको पता है कुछ भाइयों का टाइमिंग अभी भी ज़्यादा लगता होगा, लेकिन एक खतरनाक खिलाड़ी है मेरे पास जो कि जो भी 5 दिन 8 दिन का आपका समय बचा है यदि टिकते हैं तो आप जरूर बिकिएगा और आप दर्शक नहीं रहिएगा बल्कि आप खिलाड़ी बनिएगा। आप जिस दिन खिलाड़ी बन गए उस दिन आप फौजी बन गए। मेरे प्रिय साथियों, प्यारे भाइयों, जब भी ट्रैक पे जाना अपनी परिस्थितियों को एक बार जरूर याद करना, अपने मम्मी पापा के उन सपनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है, सोचना कि वो क्या सोच रहे होंगे। जब ये बात आप सोचेंगे एक बार, जहाँ टाइमिंग आपकी 5:10 आती है, 12 आती है, आप 5 अंदर आओगे, लेकिन सोचो दर्शक का काम क्या है। ये आप फिजिकल देने जाओगे बिहार पुलिस का, ए चेस्ट, ए हाइट, ए डॉक्यूमेंट, हेन तेन विशेष, खाली आप दर्शक बनना चाहते हैं। ये कटअप कितना जाएगा यार, इतना नंबर ला दो कि PDF भी देखना ना पड़े, तो साथ ही बोले अरे यार तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। चाहिए यदि आप अच्छा अंक लाते हैं, आप 80+ अंक लेके आते हैं, 90 नंबर लेके आते हैं, 100 करते हैं, तो आपको रिजल्ट देखने की जरूरत है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं हम बॉर्डर पे रहते हैं, 60-64 हर चीज में इवेंट में पास रहते हैं, कहीं तभी जाके हमको डर लगता है कि अरे PDF में नाम होगा कि ना, हनुमान चालीसा पढ़े पड़ता है। इसलिए मैं जितने सारे भाई यहाँ पर है, जब यहाँ जाइएगा एक एक सोच रखिएगा कि जो भी होगा, जो भी ये वैकेंसी आई है, हमको इसमें दर्शक नहीं बनना है। दर्शक क्या है मैं बता रहा हूँ, किसी भी भर्ती में दर्शकों की संख्या ज़्यादा रहती है, किसी भी टीम कोई भी गेम होता है ना उसमें दर्शक की संख्या ज़्यादा रहती है, खिलाड़ी कम रहते हैं। आप क्रिकेट उठाओ, हॉकी उठाओ, फुटबॉल उठाओ और जितने गेम होंगे आप उठा के देखो एक बार उठा के देखिए, खिलाड़ी की संख्या कम रहती है और दर्शकों की संख्या लाखों लाख कई गुना ज़्यादा रहती है। यदि आप खिलाड़ी हैं तो आपके लिए सारे लोग ताली बजाते हैं, है ना, गलती कर रहे हैं लोग मैच से, कह रहे छक्का मारा, वो चौका मारा, अरे गजब का शॉट। कहने का मतलब है यदि आप नौकरी ले लेते हैं, बहुत लोग कहेंगे अरे वाह कितना पढ़ने में तेज था, बड़ी दौड़ता था, बहुत लगनशील था, बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत गरीबी से जाके यहाँ पहुँचा है। लेकिन यदि आप कुछ सोचते ही नहीं है और फिर आप दर्शक बन जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बारे में टिप्पणियां ही करेंगे, लोग आपके बारे में कुछ कहे उसके लिए आपको जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। जितने सारे भाई बैठे हो मैं यही कहूंगा कि आप दर्शक नहीं बनिए, खिलाड़ी बनिए, ताकि किसी भी आप देखते हैं फौजी आता है ना, किसी भी भीड़ में पहचान में आ जाता है कि ये भाई फौजी है,
उसी प्रकार जिस दिन आप एक खिलाड़ी, जिस दिन खिलाड़ी कहने का मतलब है जिस दिन आप फौजी बन जाएगा ना, हजारों की भीड़ में पता चल जाता है कि ये बेटा सेना का जवान है। इसलिए कभी भी दर्शक भीड़ का हिस्सा नहीं बनो, बनो भीड़ का हिस्सा जीवन में कभी नहीं बनो, बल्कि जो भीड़ लगी है वो आपके लिए लगी हो वैसा बन के दिखाओ। बेटा वो जो 1600 मीटर लिखा है ना, जिसके करेजे में दम होगा, जिसकी माँ ने दूध पिलाया होगा, वही फौजी बनने का हकदार है, वही बन सकता है। तूने यदि ये सोच लिया है, ठान लिया है कि हमको फौजी बनना है, हमको इस भर्ती में क्लियर करना है, मेहनत करो, क्योंकि दर्शकों की संख्या ज्यादा है, दर्शक आपको दाब देंगे। पहले 12 लाख अभ्यर्थी थे बिहार पुलिस में, घट के आए 40,000 से कुछ ज्यादा, घट के आ जाएंगे 84,015 बोलते हैं भाई, तो 8415 में वो हो जाएंगे खिलाड़ी, या बाकी हो जाएंगे दर्शक। और आपने जीवन में जहां से शुरुआत किया था फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए हमेशा शुरुआत फिर पीछे चले जाइएगा लाइफ में। दो चार साल पीछे जाने का मतलब ये हुआ यही पीछे नहीं गए, फिर आप जब सर्विस में जाते हैं तो वहां पर भी आपको सर्विस कम दिन करना पड़ेगा, यदि बाद में भी आपका जॉब होता है। और जो ये दर्द होता है, जो आप दौड़ते हैं, जितना स्ट्रगल करते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, अरे तू इतना दिन से पढ़ रहा है, इतना दिन से दौड़ रहा है, अभी तक तुम्हारा हुआ नहीं, फिर 2-4 साल सुनना पड़े, क्या पता अगला बार रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब ये मौका मिला है, यदि आप उसके हकदार है, आप मेहनत कर रहे हैं जी जान से, तो रियल में आपके कदमों में आपकी सफलता आके गिर जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, प्यारे भाइयों, अपने हौसले को बुलंद करो, और अपनी मम्मी कसम, अपने पापा कसम, और ये जवानी कसम जिसपे खूब उबाल है ना, ये युवा, विवेकानंद ने कहा था मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है, भारत युवाओं का देश है। यदि तुम एक युवा हो, यदि आप अपने कंधों पर बोझ लिए हो अपने परिवार का, तो ये 1600 मीटर तुम्हारे लिए कुछ नहीं, दम चुटकी में उड़ जाओगे, कब उड़ोगे कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए यदि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, और उन अपने माँ, बूढ़ी माँ जो कि ये सुनना चाहती है कि मेरा बेटा का कब फौज में हो जाए, कब किसी में सलेक्शन हो जाए, किसी भी सेक्टर में उसका सलेक्शन हो जाए, वो पिता माथे पे बोझा ढोते ढोते दुकान ठेला रिक्शा चला चला के आपको पैसा देता है, किसान खेत में काम करता है दिन रात, धूप में, बरसात में, ठंडी में, वो सोचता है कि बेटा का कब जॉब हो जाए ताकि हमको थोड़ी सी राहत मिलेगी। मेरे भाई, घर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी, सफलता की राह में अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी। समय नहीं है, ये जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे भाई हर साल आते हैं, बहुत लोग सफलताएं लेके जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, असफलता के बाद बहुत सारे भाई का एज एक्सपायर हो जाएगा। इंडियन आर्मी की भर्ती आप देखिए, अब क्या करेगी सरकार, अब 2 साल जिसका एज गया क्या होगा सोचिए। इसीलिए आपको मौका मिला है, आप इस मौके को भुनाइए, जो अपॉर्चुनिटी आपको एक मिली है इसको भुनाइए, क्योंकि दर्शकों की संख्या ज़्यादा है, खिलाड़ियों की संख्या कम है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप दर्शकों की भीड़ से हटकर खिलाड़ियों के भीड़ में हो जाएंगे, और कहा जाएगा जिला में, प्रखंड में, पंचायत स्तर पर कहा जाएगा कि ये लड़का गाँव का लड़का फौजी बना है, वो किसान का लड़का था, वो बिजनेसमैन, एक छोटा व्यापारी का लड़का था, बहुत सारी बातें होगी, बहुत गरीब था, अपने से पैसा कमा कमा कर पढ़ा लिखा, जैसे तैसे नौकरी हो गया। अतः सारे भाई गर्दा दौड़िए, गर्दा कर दीजिए, 5 चक्कर का रेस होगा, उसी में आपका भविष्य तय हो जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। बोल भारत माता के, भारत माता के।